30 जुलाई 2019 को राज्यसभा में ट्रिपल तलाक अमेंडमेंट बिल पास हो गया और कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति कोविंद ने इस पर साइन कर इस बिल को परमानेंट कर दिया, यानी कि अब ये बिल एक्शन में है। तो ट्रिपल तलाक बिल के तहत किसी को इंस्टेंट तीन तलाक देने पर जेल हो जाएगी 3 साल की। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस हो रहा था तब काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए जो काफ़ी लॉजिकल थे, जिनका आंसर होना चाहिए था, लेकिन बहुमत वाली सरकार ने इनको दरकिनार कर रातों रात राज्यसभा में यह बिल पास करा दिया। हालांकि उसके पीछे काफ़ी मुद्दे हैं जिनको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये एक जो बिल है इसने लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाला है, आप और मैं इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, जिन मुसलमानों पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, हमने जाकर उनसे बात की और हमने उनकी राय जानी ट्रिपल तलाक बिल के पास होने पर। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। ट्रिपल तलाक बिल पे यही कहना है कि बिल कोई भी आता है तो उसके कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को कोई न्याय दिलाना चाहते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए, यानी कि बिल आने से पहले उसके ऊपर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिल एक बार आ जाता है, कानूनी प्रावधान बन जाता है, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो पहले से उसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आगे चल करके इसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी अगर डिस्कशन नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या है, जब आप बिल कोई पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है डिस्कशन। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो उसके आपको फ़ायदे और नुकसान नहीं पता चलेंगे। यानी कि अगर कोई बिल पास करना है और आप सोच रहे बिल पास कराना है तो काउंटिंग भी मैटर करती है, अल्टीमेटली काउंटिंग है इसलिए बिल पास हो जाएगा। देखिए पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है ना कि पल भर में जैसे भी बारिश का आसार नहीं थे, बारिश होने लगी ना, वैसी पॉलिटिक्स भी है। अचानक से लगता है सब कुछ सही, अचानक से लगता है सारे माहौल बदलने लगता है, तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। ये बिल बिल्कुल ही मुस्लिम जो धर्म है उसके विरुद्ध है, जो हमारी कुरान है उसकी शरीयत से हम इसको मानने वाले नहीं हैं, जो हमारी शरीयत कुरान पाक बता रही है उसी को मानने वाले हैं। इस बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय बिल्कुल खिलाफ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि विभाजन के तौर पे इसको करा जा रहा है, लेकिन जो एक मुस्लिम समुदाय के प्रति एक साजिश है, जो तीन तलाक है ये कोई कानून को मानने वाले नहीं है लोग, ये इनकी साजिश है। तो जैसा कि आपने देखा लोगों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न तरह के हैं, लेकिन इंडिकेशन केवल एक ही चीज़ की तरफ कर रहे हैं कि जो चीज़ एक सिविल लॉ होना चाहिए था उसको एक क्रिमिनल लॉ कैसे बना दिया गया। एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने वाले इस बिल के एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके पीछे मेजर रीज़न पॉलिटिकल है ये साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और देखते रहिएगा हमारा चैनल खुलासा न्यूज़।